इतना बढ़िया है ना स्वामी जी कि वजन का वजन घट जाता है और वजन से आने वाली तमाम बीमारियां भी कटती चली जाती हैं। स्वामी जी, शुगर की बीमारी उस मीठे जहर की तरह है जो शुरुआत में पता नहीं चलती, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बीमारी मौत की तरफ ले जाती है। लोगों को एहसास से नहीं होता कि वो कब बॉर्डर लाइन को पार कर गए। तो स्वामी जी, योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी समझाएं कि कैसे छोटे छोटे लक्षणों को समझा जाए, शरीर को समझा जाए कि क्या बदलाव आ रहे हैं, और ये बदलाव हो सकता है कि शुगर की तरफ इशारा कर रहे हैं, ग्लूकोज का लेवल शरीर में बढ़ रहा है, तो ये सिम्टम्स क्या होते हैं? तो देखो, हम छोटी छोटी बुरी बातों को, अनहेल्दी चीजें हैं जो हमारे जीवन में अनवांटेड चीजें, उनको इग्नोर करते रहते हैं। बार बार पेशाब आए, मुंह सूखने लगे, अचानक वजन घटने लगे। वैसे तो भाई साल में एक बार सबको टेस्ट करा लेना चाहिए आगे पीछे। अब पता ही नहीं लगता, अब छोटे से आयुष को ही शुगर होगी। देखो ये परी, ये हमारे नक्स, ये छोटे छोटे बालक हैं, लेकिन इनको विधान लंबे लंबे श्वास ऐसे कर लो, और कुछ ना हो तो बैठे बैठे कपाल भाती कर लो। छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करें। बार बार पेशाब आ रहा है, ज्यादा पेशाब आ रहा है, पेशाब के ऊपर चीटियां, ये नक्शो बता रहा था नानी जी मैं बाथरूम में गया और थोड़ा बाथरूम इधर उधर हो गया होगा, तो रानी जी के पैर से की चप्पल जो है चिपकी, तो पता लगा नक्श का नक्शा गड़बड़ हो रहा है भाई। तो जो है यूरिन से बहुत जो है पास आउट हो रहा था शुगर। फिर ऐसे ही चक्कर आने लगते, अचानक गला सूखने लगता है, अचानक कमजोरी लगने लगती है, अचानक वेट घटने लगता है, इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, बार बार सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, किसी बच्चे को पेट में दर्द हो जाता है। ये लक्षण है शुगर के। कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो करना ही है। चलो खड़े हो जाओ, जो कर सके वो मेरे साथ सूर्य नमस्कार करना, बाकी ताड़ासन तो सभी कर लो, बहुत जरूरी है। अब मकर संक्रांति से ना हरिद्वार से अब ठंड गायब हो गई है। पहले तो ठंड थोड़ी ज्यादा थी, आज तो ऐसा लग रहा है एकदम प्रेजेंट वेदर है। लंबे लंबे श्वास, ताड़ासन, तीर्थ ताड़ासन, और जो कर सके वो कर लेना सूर्य नमस्कार, ये भी पूरे शरीर के आरोग्य के लिए जरूरी है। तो ऐसे छोटे छोटे और लक्षण, जैसे विटामिन डी लंबे समय तक कम बना रहता है तो ठंड भी ज्यादा लगती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, B12 कम रहता है तो ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाती है, पार्किंसंस, डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसे रोग हो जाते हैं। फिर कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन, ये सब लंबे समय तक चीजें कम रहती है, विटामिन सी आदि, तो ऑटोमेन डिजीज हो जाती है। इसलिए मैं तो कहूँगा साल में एक बार जरूर ब्लड टेस्ट करा लें, और उसमें लिपिड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल से लेकर के शुगर से लेकर के, और भी आजकल तो ब्लड से कैंसर मार्कर्स का भी पता लग जाता है। कैंसर मार्कर्स होते हैं कुछ, लीवर के, किडनी के, हार्ट के मार्कर्स होते हैं, और फिर अपने आप को योग से संभालें, योग से संभालें। ये दवाइयाँ, ये हॉस्पिटल, ये सब बाहर की चीजें, ये हमें परावलंबी बनाती है। आज मकर संक्रांति पर कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करने का व्रत लेना साहब, 10 बार सूर्य नमस्कार, ऐसे सामान्य गति से, मध्यम गति से, और कोई मेरी तरह से तीव्र गति से कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो करते रहो आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह। और 10-10 बार हम दंड बैठक भी बता देते, देखो ये ऐसे कितना अच्छा है ना। और वैसे भी स्वामी जी जो करेगा दंड, ऐसे लगता है अब तो बच्चे की तरह से फुदकते रहते हैं। जो करेगा दंड उसे नहीं लगेगी ठंड। और आप कह रहे थे स्वामी जी ठंडक थोड़ी घटी है, लेकिन मौसम विभाग ये कह रहा है कि ठंड फिर से बढ़ने वाली है, लेकिन आपके लिए तो हर मौसम एक ही सा रहता है। तो सर्दियों में स्वामी जी हार्ट अटैक के मामले जो है वो 3 गुना बढ़े हैं, कल हमने इस पर चर्चा की थी, लेकिन हार्ट की बीमारी के पीछे एक वजह डायबिटीज भी है। अब जिनकी परेशानी शुगर से दिल तक पहुंच चुकी है उनके लिए योगाभ्यास भी करवा दीजिए, ताकि हार्ट जो है वो हेल्दी रहे, सेहतमंद रहे। और आपने स्वामी जी हार्ट को हेल्दी रखने के जो तमाम उपाय पहले भी कई बार बताए, एक बार दोहरा दीजिए। दोहरा देते, देखो
ये तो भुजंगासन है ना, इसमें तो आपकी तरह जवान है, प्रिया जी की तरह है, मीनाक्षी जी की तरह, वो तो दंड लगाना है ऐसे। ये आप तो ये डिप्स लगाते हो, मुझे पता है 50-100 बार ऐसे। ये तो बाकी ऐसे भुजंगासन ही कर ले, ये बहुत अच्छा हार्ट के लिए। ऐसे और ऐसे और फिर मकर आसन। और देखो हार्ट के लिए बहुत जरूरी है हेल्दी डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सलाद, ये तीखा तला बुना कूड़ा कचरा जंक फूड फास्ट फूड ये तो सब बंद करना ही पड़ेगा। मकरासन भुजंग आसन और उसके लिए बहुत अच्छा है गोमुखासन। और गोमुखासन भी जो ना कर पाए ना, गोमुखासन करे ऐसे, वो ऐसे कर लो, चलो ये करो, ये बहुत जरूरी है ऐसे ही हार्ट के लिए। अर्जुन की छाल दालचीनी इसका ही पानी पिए और हृदयामृत ले ले सुबह उठते ही दो, फिर सुबह नाश्ते में दोपहर शाम। हार्ट में ब्लॉकेज है, इजेक्शन इन्फेक्शन कम है, आपने कल ही देखा था बालक का 15 आ गया था, अब 30 हो गया, थोड़ी दिन में अब 60 हो जाएगा 1 से 2 महीने में। पेस मेकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हार्ट में ब्लॉकेज है निकल जाएंगे। नो पेस मेकर, नो एंजियोप्लास्टी, नो बाईपास, कैल्सिफिकेशन हो जाता है वो भी दूर हो जाता है, मेरे पास प्रूफ है इसके। ये और ये अर्जुन की छाल दालचीनी से हार्ट का भी कैल्सिफिकेशन, ब्रेन का भी कैल्सिफिकेशन दूर हो जाता है। ये कैल्शियम कहीं भी जमा जा रहा है, किसी को तो कैल्शियम कम है, किसी को जमा जा रहा है। लो ये अभ्यास ऐसे, और देखो ऐसे बैठे बैठे ना ऐसे ही कर ले, ऐसे ऐसे खड़े होके ताड़ासन बता रहे थे ना ऐसे। ऐसे कर ले, और सबसे अच्छी बात है ना ऐसे सीधा प्राणायाम ही कर लो ना, ये भस्त्रिका, खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल दालचीनी, ये पॉइंट दबा ले, लोकी का जूस या लोकी। और स्वामी जी आपकी दोनों शिष्याएं यहां पर क्यूट आसन पर आ चुकी हैं, हृदयष्टि बना रखे डायबिटीज के लिए, मधुष्टि और हृदय के लिए हृदयष्टि, वात के लिए वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, ये बातें छोटी छोटी है। और ये गुग्गल और ये जो दिव्येष्टि है ना, ये भी बड़ी जोरदार चीजें हैं, इनका इनको भी हवन में डालते हैं ना अपने घर में, या तो पूरा हवन करें मकर संक्रांति को त्योहारों पर तो कर ही, नहीं तो दीप यज्ञ तो सभी को कर लेना चाहिए। भस्त्रिका, कपालभाति, और मैंने एक दिन बोला था, बड़ा आनंद मनाया था उस पर आपने, पेट पाताल लोक में और चेतना ब्रह्मलोक में, ये जिसका रहेगा